अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मोहम्मद बिलाल अरशद एंड वेलकम टू एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th और क्वेश्चन नंबर 3 के आज हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिएगा, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 7x² + 2x - 1 = 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। आप सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके जितने भी मसाइल हैं वो आप सब क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे पहले पार्ट 1 में आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है इक्वेशन। तो इक्वेशन है आपके पास 7x², नेक्स्ट है +2x - 1 = 0। तो ये हमारे पास है जी गिवन इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन आपके पास है जी 7x² + 2x - 1 = 0। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना है कि किसी भी क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करने के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, नंबर 1 में आपने ये जो कांस्टेंट टर्म नजर आ रही है, इस कांस्टेंट को उस साइड पे लेके जाना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे यहां पे कि बाय शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड, तो जब आप इस कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहां पे ये -1 है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा +1, तो ये बन जाएगा 7x² + 2x = 1। ओके जी, स्टेप नंबर 2 देखिएगा, इस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमें 1 बनाना है। तो यहां पे 7 है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 7 ऑन ईच साइड। तो यहां पर लिखिएगा डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। तो आप यहां पर जब इसको 7 से बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास कुछ ऐसे आएगा कि 1 / 7, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड 7x² + 2x, और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 1/7 × 1। तो आप यहां पर देखें, जब आप 1/7 को इधर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 7/7x². फिर जब इसको आप सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 और यहां पर एक्स आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे देखिएगा 1/7 आ जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे 7 इस 7 से कैंसिल, तो ये बनेगा x² + और यहां पर देख सकते हैं 2/7 एज इट इज और एक्स आ जाएगा, और राइट साइड पे 1/7। यहां तक ये क्वेश्चन करने के बाद अब स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना है कि x के साथ जो भी टर्म पड़ी होगी, तमाम क्वेश्चंस में ये सेम मेथड है, इस x के साथ जो भी टर्म पड़ी है आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है या सिंपली 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहां पे देख सकते हैं आप लोग, x के साथ पड़ा हुआ है 2/7, इस x के साथ क्या पड़ा हुआ है 2/7, आपने इस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो भी आंसर आएगा, लेट मेरे पास यहां पे आ रहा है 1/7, तो मुझे 1/7 का स्क्वायर बोथ साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आप यहां पे लिखें बाय एडिंग 1/7 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो आपने बोथ साइड्स पे 1/7 का स्क्वायर जब ऐड किया तो जो अबव इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, x² + 2/7x + 1/7
और ये होल स्क्वायर आपने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड में पहले से मौजूद था 1/7 ये वाला, और आपने ऐड क्या किया 1/7 का होल स्क्वायर। ये स्टेप नंबर 3 है, दोबारा सुन ले। इस एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट पड़ा होगा आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो आंसर आएगा, मेरे पास यहां पे आंसर 1/7 आ रहा था तो मैंने उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा, और इसकी राइट हैंड साइड को हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड इज 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो मैं इसको x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ठीक है, और a की जगह यहां पर x आ जाएगा और b की जगह 1/7, और ये आप देख सकते हैं यहां पे 1/7 जो है वो एज अ सेकंड टर्म और उसका होल स्क्वायर। दोबारा सुन ले, यहां पे ये मेरे पास x का स्क्वायर था जिसको मैंने x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो मिडिल टर्म आपके पास है 2/7x, इसको मैंने 2 × a × b लिख दिया, और यहां पे b का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड देखिएगा, ये 1/7 एज इट इज आ जाएगा। अब ये 1/7 का स्क्वायर है तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर जो है वो 49 आ जाएगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप सबने ये आइडेंटिटी पहले पढ़ी हुई है कि a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर आप इस आइडेंटिटी को यहां पे कंपेयर करें तो a की जगह x आ रहा है और b की जगह 1/7, तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर मींस x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे आपने इस 1/7 और 1/49 को एज इट इज यहां पे लिख दिया। आप ये देखिएगा, आपको ये दो फ्रैक्शंस मिल गई हैं, इन दोनों के दरमियान एडिशन का साइन है, तो हम यहां पे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आपको बेस्ट मेथड ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर्स को कॉमन कर ले, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो इनको सिंप्लीफाई करना आसान होगा। तो मैं इस पहले वाली फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और 7 से डिवाइड भी कर देता हूं। इसकी रीजन ये है कि मुझे यहां पे डिनोमिनेटर में 49 मिल रहा है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से 49 आ जाएगा, और ये एडिशन के बाद सेकंड टर्म आपने एज इट इज लिख दी। ये x प्लस 1/7 जो है ये होल स्क्वायर के साथ एज इट इज लिखा जाएगा। अब आपने काम ये करना है कि न्यूमिनेटर में 7 × 1 = 7 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 7 × 7 = 49 आ जाएगा, एंड यहां पे 1/49 एज इट इज आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहां से डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे और न्यूमिनेटर में जो भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 1/7 और होल स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 7 + 1 कितना होता है 8, और डिनोमिनेटर में 49 है। अब यहां पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज यहां पे आप लिखेंगे, मुझे यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या काम करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। लास्ट स्टेप यहां पे ये है, पहले 3 स्टेप हम कर चुके हैं, अब लास्ट स्टेप ये है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने क्या काम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास इस तरीके से स्क्वायर रूट लिखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड को आप लिखेंगे एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर, और यहां पर राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा अंडर रूट एज इट इज, स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखेंगे 8/49। अब आप सबने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी हुई है कि अगर आपके पास दो नंबर इन दी फॉर्म ऑफ डिवीजन है तो आप न्यूमरेटर का, यहां पर जो न्यूमरेटर है 8 तो आप उसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग से और 49 के ऊपर स्क्वायर रूट को आप अलग से लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद आ जाएगा एक्स प्लस 1/7। अब जितनी इसकी पावर थी तो उतने आपके पास इसके रूट्स आएंगे, तो प्लस माइनस की फॉर्म में आपने अंडर रूट 8/√49 यहां तक लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप काम ये करेंगे कि जो अंडर रूट 8 आपको दिखाई दे रहा है ये 2√2 के इक्वल होता है,
और ये प्लस माइनस एज इट इज, और 49 7 का परफेक्ट स्क्वेयर है तो हम स्क्वेयर रूट ऑफ 49 की जगह 7 लगा देंगे और ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज आ जाएगा। मैं आपको थोड़ी सी रफ वर्किंग में करके भी दिखा देता हूं। जो 8 होता है इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो आप यहां पे देखें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, और यहां पर मैं स्क्वेयर रूट ऑफ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 सेपरेट कर लूंगा, जब ये इससे कैंसिल होगा तो ये आंसर आएगा 2 अंडर रूट 2। ये थोड़ी सी रफ वर्किंग मैंने आपको इसका बता दिया सॉल्यूशन, ये आपके पास जो अंडर रूट 8 आ रहा था। तो अब आपने काम ये करना है, एक्स की वैल्यू चाहिए तो 1/7 को आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा -1/7 एंड प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। अब सेम वही प्रॉपर्टी आप लगाएं कि डिनोमिनेटर इनके सेम है तो आप डिनोमिनेटर को कॉमन ले ले, और ये आपके पास न्यूमिरेटर में जो वैल्यूज हैं आप इनको मर्ज कर दें जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 बनेगी, और यहां पे ये एक्स की वैल्यूज। अब बेसिकली ये दो वैल्यूज हैं, एक एडिशन की फॉर्म में और एक सब्ट्रैक्शन में, तो आप यहां पर लिखिएगा दिस गिव्स टू पॉसिबिलिटीज। नंबर 1 है आपके पास -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, एंड सेकंड वन इज एक्स इज इक्वल्स टू -1 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। तो अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर मेरे पास दो इसके एक्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, और इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि दीज आर द इरेशनल रूट। ठीक है, तो अब यहां पर देख सकते हैं दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसकी मैक्सिमम दो ही वैल्यूज आनी थी। अब आप हेंस इसका रिजल्ट लिख दें, हेंस सॉल्यूशन सेट, जो इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास आएगा वो इन दी फॉर्म ऑफ ब्रेसेस लिखा जाएगा। आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, तो मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 की फॉर्म में, और आप इसको सेट की फॉर्म में लिखेगा -1 प्लस -2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आई होप ये मेथड आपको इजी लगा है और आपको ये क्वेश्चन जो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली समझ आ चुका है, और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आइंदा भी जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाएंगे वो भी क्लियरली आपको समझ आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको इसके सेकंड पार्ट को क्लियर करूंगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में शुमार रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। आपका मेजबान मोहम्मद बिलाल अरशद, अस्सलामु अलैकुम।